सात और थे, और पीछे जो कैंपर, जो बिना नंबर की जो कैंपर गाड़ी थी उसमें भी इतने ही हथियारों से लैस लड़के थे। उसने मुझे नीचे उतारा, नीचे उतारती जिन लोगों के पास सरिये थे उन्होंने, और इसके पास खानुड़ा के पास पिस्टल थी, इसने पिस्टल से मुझे ये कहते हुए फायर किया, वो तो मैं शुक्र मनाता हूँ ईश्वर का कि वो मुझे लगी नहीं। और दूसरा फायर 100% मुझे लगता यदि कुछ लोग मेरे गांव के उस समय खेत संभालने के बहाने नहीं आते तो। उसने फायर करते हुए कि भाई ये आपको गिफ्ट भेजा है हेमेंद्र ने, उसका पर्टिकुलर मैंने नाम लिखा है, और जितने भी जो उसके सारे साथी थे इसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं, गाड़ी में मेरा पर्स पड़ा था 22.5 सौ, उस पर्स में रुपए, पीछे की सीट पे एक बैग पड़ा था, मैं बाइट देने के लिए मैं जयपुर जा रहा था, उस बैग में तो कोई ज़्यादा ज़रूरी कीमती सामान नहीं था, पर उन्होंने सारा वो लेके, और उसके बाद वो जब मैं चिल्लाया मेरे सामने से जो गाड़ी आ रही थी, तो ये मेरे किस्मत की बात है कि उसमें मेरे गाँव के लोग थे, वो नीचे उतरे, नीचे उतर के रूम की तरफ दौड़े, इतने में वो गाड़ियाँ लेके भग गए चिल्लाते हुए कि हमारा आज का फायर खाली चला गया है, कल शाम से पहले पहले हम दोबारा जान से मारेंगे। मैं थाने में आया, जब थाने में मेरे साथियों को लेके आ रहा था फिर गाड़ी आगे दी गई, मैं पुलिस नफरी को मैंने बुलाया, उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। मतलब इतना आतंक जब राजनीति करने वाले लोगों के साथ हो रहा है, इतना भय और माहौल में हम जैसे लोग जी रहे हैं, तो आम आदमी का जीवन कैसे बसर हो सकता है? सरे आम दिन में अपराधी पिस्टल की नोक पे आपको बीच रास्ते में रोक के ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया तो हम जान से मार देंगे। हम किस समाज में जी रहे हैं? हम मैंने एसपी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की, आदरणीय हनुमान जी ने डीजी आईजी से बात की है, अभी एसएचओ साहब को हमने हमारी पूरी जितनी भी जो हमारे साथ जो घटना घटी थी वो सारी लिखित में दे दी है। उम्मीद है जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई के साथ जिन जिन धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों से समाज को बचाने का काम करेंगे। अब हम जैसे लोगों पे गोलियां चलने लग गई तो फिर हम आम आदमी को कैसे बचाएंगे? कैसे उसकी रक्षा कौन करेगा? फिर हम ही घर से निकलना बंद कर देंगे। यदि हम घर से निकलना बंद कर देंगे तो फिर इनकी सुरक्षा किनके जिम्मे? ऐसे अपराधियों को, और बड़ी दुख की बात है कि हिस्ट्री सिटरीज थाने के हैं वो, बार बार सूचना देने के बाद भी वो खुलेआम पिस्टल और हथियार लेके चलते हैं, पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के ये हथकंडे करके चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस कुछ नहीं बोलती है। हम उम्मीद करते हैं फतेहपुर की पुलिस से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए, आज महिपाल महिला के साथ ये घटना घटित हुई है। मैं तो यदि ये फायर मुझे लग जाता तो मेरी तो जान चली जाती, मेरे मतलब जो मैं जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग राजनीति करते हैं, क्या हमारा अब ये लेवल बच गया है कि आप अपराधियों से भी डर के चलो? हमारा एक राजनीति करने का स्तर है, उस स्तर की हम लोग राजनीति करते हैं। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस फतेहपुर को हम बड़ा शांतिप्रिय पिछले 2-3 साल से समझ रहे थे उससे उल्टा हुआ है, और वो अपराधी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि अब उन्होंने अपराध छोड़ दिया, वापस वो अपराध की लाइन में आते हुए हमें टारगेट किया है। हम उम्मीद करते हैं जितने भी जो पत्रकार साथी हैं आज हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। ये हमला, ये गोली महिपाल महिला पे नहीं चली है, ये उस आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाला जो दलित और शोषित पीड़ित तबके की लड़ाई सड़क से लेके असेंबली तक लड़ते हैं उनके खिलाफ चली है। साथ में इस तरह की बातें कि आरएलपी की दुकान को हम लोग नहीं चलने देंगे, हनुमान बेनीवाल को हम लोग जल्द से जल्द मार देंगे, अरे भाई क्या हासिल कर लोगे आप इन सारी चीज़ों से? अब पुलिस के अलावा हमारे पास हम अपराधी तो बन नहीं सकते, उन्होंने गोली चलाई हम गोली चला नहीं सकते, इसलिए हम आज मजबूरी में, अभी इंचार्ज महोदय कह रहे हैं कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जल्दी से उनको उठाने का काम करेंगे। यदि पुलिस उनके खिलाफ जिन धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज करवाया नहीं करती है तो उससे जो आगे वाला कदम है हम आप लोगों का अवगत करवा देंगे, उसके लिए जो जिस स्टेज पे हमें जाना पड़ेगा, पर हम हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। रात को 10:30 बजे घटना बताई जा रही है, FIR शाम को दी जा रही है। मैंने सूचना दे दी थी, उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप सुबह एक बार थाने आ जाना, मैंने जाप्ता मंगवाया था। जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने तो पहले से सारी लोकेशन तैयार कर रखी थी, दोबारा रात को वो मेरे घर पे आए। पर बड़ी विडम्बना की बात है कि मतलब इतनी बार ये होने के बाद भी पुलिस नफरी मुझे वहाँ से निकाल के लेके आई है। मैं जहाँ फंसा हुआ था, जिस जगह मुझे घेर रखा था अपराधियों ने, वो तो सरेआम मरने मारने पर उतारू थे। तो मैं हम स्वच्छ राजनीति करने वाले लोगों में से, मैंने जो ही मेरे साथ घटना घटित हुई मैंने सब लोगों को अवगत करवाया कि मेरे साथ इस तरीके से ये घटना हुई है। जो लोग मौके पर पहुँचे वही मुझे वहाँ से निकाल के लेके आए, उन्होंने मुझे निकाला। यदि वो समय पे नहीं पहुंचते तो हो सकता है कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, और उसके बाद भी लगातार इतनी थ्रीट आ रही हैं बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा दिलवाई जा रही हैं कि आज हमारा फायर खाली चला गया, कल हमारा फायर खाली नहीं जाएगा, ये क्या हो रहा है समाज में? उम्मीद करते हैं कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और जितने भी जिन दुर्दांत अपराधियों ने ये काम किया है उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। और हम हमारी सुरक्षा की बात हमने आईजी महोदय से भी की है, आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी ने भी डीजी से बात की है, एसपी साहब से भी हम मिलेंगे, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो इसकी हमें गारंटी पुलिस कैसे प्रदान करे? यदि हमारे पास कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तो फिर हम यूं सड़कों पर मरने के बजाय यहीं थाने में ही हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, यहीं भूख हड़ताल पर बैठ के मर जाएंगे। मरना तो एक दिन है,
इस तरह के अपराधियों से हमें बचाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट आज SHO फतेहपुर से है, DYSP फतेहपुर से, SP महोदय से है और तमाम पुलिस हमले से है कि इस तरह के अपराधियों को कहीं को पुलिस की सांठगांठ जो पहले चल रही थी उस सांठगांठ को तोड़ो, अपराधियों को जेड़ों के अंदर डालो और आम जन जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो राजनेता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको चैन की सांस लेने दो, ऐसे अपराधियों से हमें बचा के चलो।